और अब तस्वीर दिखाते हैं गुजरात के गांधीनगर की। अमित शाह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अमित शाह गांधीनगर में, जरा सुनिए। 8,500 करोड़ का ड्रग पकड़ने का काम गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के कार्यकर्ता अवैध ड्रग के व्यापार में, नस्ली दवाइयों के व्यापार में लिप्त हो, वो पार्टी कभी भी किसी भी राज्य या देश को नशे से मुक्त नहीं कर सकते। मोदी जी ने ड्रग फ्री इंडिया का जो संकल्पना करा है, नशा मुक्त भारत का संकल्पना, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर सकती है। भाइयों बहनों, आजे गुजरात नी अंदर मारा मत क्षेत्र ना अनेक विध विकासना कार्यक्रमों थया। संसद सभ्य छु इतले श्रीकासना कार्यक्रमों थाय तो आनंद थाय, पण मानसानो छु इतले मानसानी अंदर कई थाय तो आनंद ना थाय, संतोष थाय। भाई संतोष थाय मानसानी अंदर। आ परिवर्तन छिल्ला 10 वर्षनी अंदर हूँ जे जोई रह्यो छु, अने जेएस पटेल તમે બહુમતીથી ધારાસભ્ય ચૂંટ્યા, દર અઠવાડિયે એક બે કાગરિયા જેએસ ના આયા જ સમજો, આયા જ સમજો। પણ જેએસ તમે કાગળ લખતા ના ઠાકતા, માણસાનો જ દીકરાને મોદી સાહેબે દેશનો ગૃહમંત્રી બનાવ્યો છે, કામ કરવામાં મને કોઈ આરસ નથી। અને ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ઋષિકેશભાઈનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું।